दोस्तों अपने मन को शांत और प्रसन्न रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। बात बहुत छोटी छोटी है लेकिन बड़ी सटीक है, जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। ये काम धैर्य, संयम और अभ्यास से संभव है, लेकिन चंद बातें अगर मेरी आप सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये कारगर हैं। नंबर एक, ध्यान करें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन को शांत और नियंत्रित करने में मदद करता है और आपका मूड हमेशा अच्छा रहता है। नंबर दो, प्राणायाम या मेडिटेशन का अभ्यास करें, जो आपको शांत रखने में बहुत मदद करता है और ये एक मंत्र की तरह है, इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। नंबर तीन, समय प्रबंधन सीखें, क्योंकि समय का प्रबंधन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। जब आप एक काम को पूरा करने में सक्षम होते हैं, अपने समय को अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं और उत्तरदायित्व से उस काम को करते हैं, पूरा मन लगाकर पूरी मेहनत से, तब आप समय की सही कीमत समझते हैं। यदि आप समय की सही कीमत समझते हैं तो आप ज्यादा चिंतित नहीं होंगे। ये भी आपके मन को शांत और प्रसन्न रखने में बहुत मदद करेगा। नंबर चार, निगेटिव सोच छोड़ दें। अगर जीवन में पॉजिटिव बने रहेंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका मन शांत रहेगा। अपने विचारों में कहीं से भी निगेटिविटी ना आने दें। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो आप में निगेटिविटी भरते हैं या आपकी टांग खींचते हैं। आपके विचार शुद्ध और सरल होने चाहिए। शुद्ध और सरल विचारों से पॉजिटिविटी भरी रहती है। ईश्वर में आस्था रखें। ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्तियों में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। ईश्वर हमेशा आप पर आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। ईश्वर आपको वो सब देते हैं जो आपका सपना होता है। और अगर आप सच्चे मन से ईश्वर से जुड़े हैं तो आपको जीवन में कुछ गलत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता में कुछ गलत होता ही नहीं है। बस आपको उसे आंख बंद करके मानने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर और माँ बाप ही ऐसे हैं जो आपका सच्चा हित चाहते हैं और बिना किसी लालच के चाहते हैं। तो जीवन में अपने माँ बाप और ईश्वर को हमेशा सच्चे मन से प्यार करें, उनसे सच्चे मन से जुड़े रहें। नंबर पांच, अपने शरीर का ख्याल रखें। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। नंबर छह, समय समय पर आराम करें। नमस्कार दोस्तों।